दोस्त, वेलकम टू माय चैनल। और आज है डे वन यकीन नीट 6.0 2024 का, और मैं वार्म वाटर के साथ मैं अपना दिन की शुरुआत करती हूँ। वैसे दिन की शुरुआत मेरी अभी नहीं हुई है, वैसे मैं बताऊंगी अभी वीडियो में मैंने क्या क्या किया इससे पहले। और मैंने टू-डू लिस्ट बनाया जिसमें मेरी टॉप 3 प्रायोरिटीज है रीड नमाज एंड कुरान शरीफ। यस, मैं नमाज पढ़ती हूँ रोज़ सुबह, और स्टडी रोज़ सुबह नहीं मतलब पाँचों टाइम का ही पढ़ती हूँ, सुबह भी पढ़ती हूँ। यूट्यूब चैनल है स्टडी ऑफकोर्स, यूट्यूब चैनल है तो स्टडी भी, और यूट्यूब चैनल तो है अभी अच्छी बात है, तो इसी बात पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और फिर मैंने अपना आज का जो डे का, मैंने दो दिन बाद मैंने ज्वाइन किया क्लास, तो उसका वो था मेरे पास शेड्यूल, मैंने वो बना लिया मेरे को कैसे कैसे क्या पढ़ना है। मेरे को दो दो लेक्चर्स लेने थे, चलो स्टार्ट करते। मैंने विपिन सर का क्लास किया बॉटनी का, और मुझे तरुण सर के बाद ना विपिन सर का ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ना उनका क्लास। उसके बाद से सर ने जो होमवर्क दिए थे ना वो मैंने लिख लिया था उनका क्लास करने के बाद से, और मेरा फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो गया। इस क्योंकि मैंने ना कल ही कर लिया था, मैंने कल परचेज किया था ना, तो मैंने कल फर्स्ट क्लास मैंने कर लिया था। बस मैंने थोड़ा सा रिवीजन किया था, और उन्होंने बताया था कि 5 मिनट क्लास के बाद 5 मिनट जरूर एनसीईआरटी को पढ़नी है, तो मैं वही कर रही हूँ। टाइम मैं देख टाइम अभी दिखा रही हूँ इसी वजह से, और मैं 5 मिनट्स तक अपना एनसीईआरटी पढ़ूंगी। और आप लोग भी जरूर टीचर की बात जरूर माना कीजिए, क्योंकि मैंने ड्रॉप मेरा इसलिए हुआ क्योंकि मैं टीचर की बातें नहीं सुनती थी, वो जो बोलते थे मेरे ख्याल से मैं नहीं कर पाती थी। तो इस बार मैं वो गलती बिल्कुल नहीं करने वाली, मैं ज़रूर मेहनत करूँगी और आगे बढ़ूँगी। हार्डवर्क कभी भी नुकसान नहीं जाता, ये नीट में नहीं तो कहीं और ज़रूर काम आएगा मेरा हार्डवर्क। तो आप लोग भी अगर जिन्होंने ड्रॉप नहीं लिया तो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत सारी गलतियों की वजह से ड्रॉप लेनी पड़ती है, वो चीज़ मैं बताऊंगी वीडियो में। हो सकता है आज ना बताऊं, कल बताऊंगी या परसों बताऊंगी, लेकिन ज़रूर बताऊंगी। उसके बाद से मैंने डीपीपी सॉल्व किया, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद से सर ने बोला डीपीपी सॉल्व करना है, और डीपीपी सॉल्व करने के बाद से मुझे लग गई थी भूख, तो उसके बाद से मैंने ब्रेकफास्ट में चोकोज खाया। और मैंने ना ऐसा है कि मेरे को ज़्यादा भारी भारी चीज़ें ऐसे नहीं खाऊंगी, मतलब लाइट चीज़ें लूँगी ताकि नींद ना आए। उसके बाद से मैंने एनसीईआरटी पंच का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का था, ये विपिन सर का ही लिखा हुआ है बुक है और पीडब्ल्यू से ही है, तो मैंने उसे किया। और मेरे मतलब आज एक ही क्वेश्चन गलत हुए थे मेरे, मैंने सर का लेक्चर अच्छा से लिया, नोट्स भी प्रॉपर मेरे पास बना हुआ है पहले का, क्योंकि मैं ड्रॉप ले चुकी हूँ तो मेरा नोट्स बना हुआ है, लेकिन सबका नहीं बनाया, लेकिन इस सेल चैप्टर का मेरे पास नोट्स हैं मेरे पास, तो इसी वजह से मैंने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से सब किया, और मेरे सिर्फ एक क्वेश्चन गलत थे जिसको मैंने फिर जाके एनसीईआरटी में देखा कि मुझे किस टॉपिक से गलत थे मेरा क्वेश्चंस। पहले मैं ये नहीं करती थी, लेकिन इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगी। उसके बाद से मैंने अपने मॉड्यूल्स के क्वेश्चन किए, क्योंकि होमवर्क में सर ने दिया था कि मॉड्यूल्स के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करनी है और पंच का। और आप लोगों के पास जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए, एमसीक्यू करने के लिए आप लोगों के पास जो भी वो है आप लोग कर सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है कि आप लोगों को पंच लेना होगा या फिर ऐसा। तो सर क्लास में बताया था कि उनकी पंचायत है, तो पंचायत हमने क्लास में भी मैंने सॉल्व किया, उसमें भी मेरे सारे सही थे और मेरे मॉड्यूल्स के क्वेश्चन में भी सारे सही थे। उसके बाद से मैंने ज्वेलजी का क्लास लिया, और ये सर भी बहुत अच्छा पढ़ाए उन्होंने, मतलब मैंने मनीष दुबे सर से पढ़ा था ना, तो उसके बाद से मैंने इनसे पढ़ा, ये सच में बहुत इन्होंने भी बहुत अच्छे से समझाया, अच्छे से पढ़ाया, और मैंने ये पहले पढ़ चुकी थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और मैं ना नमाज पढ़ के फजर का, मैं तहज्जुद की भी नमाज़ पढ़ती हूँ, लेकिन मैं आज मैं नहीं उठ पाई थी, तो मैंने फजर का नमाज़ पढ़ा और सूर्यासन पढ़ा, कुरान शरीफ पढ़ा, और आज सिर्फ सूर्यासन पढ़ा कुरान शरीफ नहीं पढ़ा। उसके बाद से मैंने अपना बायोलॉजी का वो निकाल लेक्चर्स लेती हूँ मैं दोनों, और ये मेरा चलता है 1 बजे तक। उसके बाद से मैं वो दोपहर का जोहर का नमाज पढ़ूंगी, खाना वाना खा के फिर मैं क्लास करूँगी, और उस टाइम मैं अपना केमिस्ट्री का क्लास लूँगी। और मैं अभी डीपीपी सॉल्व कर रही हूँ ज्वेलजी का, और सच बताऊँ तो इतना ईजी लग रहा था मेरे को लेक्चर्स लेने के बाद से, सच में सर ने बहुत ज़्यादा अच्छा से एक्सप्लेन किया था, बहुत अच्छा से समझाया था। और आप लोग ना एक टीचर मतलब मेरा था ना, पहले बहुत सारे बैचेस मिल जाते थे हमें, तो हम एक्सप्लोर करने लगते थे कि कौन से टीचर ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, और उसमें ना टाइम वेस्ट होता है सिर्फ। और आप लोग जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पर, मेरा सबके सब सही हुए हैं, सारे क्वेश्चन सही थे। 5-10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद से उसके बाद से मैंने सॉल्व किए एनसीईआरटी पंच के क्वेश्चंस किए मैंने, और
और इसके क्वेश्चन क्वालिटी सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इन्हें मैंने किया। और सबसे अच्छी बात यह थी कि मेरे से सारे क्वेश्चंस बन रहे थे, यानी कि मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं सर के लेक्चर से। और जैसे कि मैं बता रही थी कि आप लोगों को जगह जगह जाके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग एक टीचर को पकड़ो। मैंने यही गलती की थी कि मैंने टीचर चेंज कर करके पढ़ना, और उसके बाद से लास्ट में कुछ भी समझ नहीं आता था कि मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तो एक टीचर से पढ़ो और एक टीचर के साथ ही वो बताएंगे जैसे, उनके साथ ही चलो और नीट का पेपर दो। देखती हूँ मेरा भी क्या होता है। इस बार मैंने ये गलती जितनी भी की है मैंने लिख के रखा हुआ है अपनी गलती है कि मैंने क्या क्या किया है, तो वो अब मुझे नहीं करना है। और सच में इतना बुरा लगता है जब मेहनत तो किया था लेकिन गलतियों की वजह से सिलेक्शन ना हो पाए, और पड़ोसियों का अलग सताना होता है कि पढ़ने गई हैं। मैं आई हूँ, दरअसल मैं गांव से, छोटे से गांव से आई हूँ मैं पढ़ने के लिए अलीगढ़, और मैं ऑनलाइन ही क्लास ले रही हूँ, मैं ऑफलाइन नहीं जा रही, क्योंकि मैंने पिछले बार लिया था क्लास, तो अब मेरे को बस हो गया कि ऑनलाइन ही मैं फिजिक्स वाला से ही करूँगी। ठीक है, ये टीचर हैं, कौन से टीचर हैं, मैं इनसे फर्स्ट टाइम पढ़ने वाली हूँ, तो मैं इनका रिव्यू दूंगी कि इन्होंने कैसे पढ़ाया क्या। ये डॉक्टर आनंद सरन शायद, वेट अ सेकेंड, हाँ डॉक्टर आयुध सर हैं ये। ओके, मैं फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रही हूँ इनसे फिजिक्स, वरना मैंने MR सर से ही पढ़ा था, और ये उनके ही नोट्स हैं MR सर के। तो अभी हम लोग इनसे पढ़ते हैं और मैं बताती हूँ कि कैसे पढ़ाते हैं। तो चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हाफ लेक्चर से कंप्लीट हुए हैं और टाइम हो गया है 5:24, और मेरे हाफ लेक्चर ही कंप्लीट हुए हैं और अजान हो रहा है, तो अब मैं नमाज़ पढ़ के मैं कंप्लीट करूँगी अपनी क्लास। सो चलते हैं, नमाज पढ़ के आती हूँ। चलो ठीक है, सॉरी लिया है मैंने, और 5:49 हो रहा है और हाफ लेक्चर्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं और मैं हाफ अब कंप्लीट करती हूँ। चलो ठीक है, मैं जैसे कि मैंने बोला कि ये वीडियो लंबी हो जाएगी और इसी वजह से, चलो ठीक है मिलते हैं। कंप्लीट हो गया मेरा बेसिक मैथ्स का लेक्चर, थोड़ा लेट कंप्लीट हुआ मेरा 7:23, मैंने 2-3 लेक्चर थे मेरे, तो ये मैंने नोट्स भी बना लिए क्योंकि सही रहता है, नोट्स बन जाते हैं, और ये सर का पप्पी पॉइंट्स है जो कि याद करने हैं, तो सही है, सर ने बहुत अच्छे से दे दिया है, मैंने ये सब लिख लिया है। चलो, सारे लेक्चर कंप्लीट होने के बाद से मैं JNMC हॉस्पिटल गई थी, मेरी मामी की लड़की हुई है, बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह, और दादी के लिए फ्रूट्स ले लिए, और मेरी वीडियो में कुछ भी गलत हो, फर्स्ट वीडियो है तो हम सॉरी, बिल्कुल सच में सॉरी, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है ज़्यादा, तो मैं धीरे धीरे सीखूँगी और बनाऊँगी। आप लोगों का सपोर्ट बस रहे मेरे साथ, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें। अल्लाह हाफिज़।